ये विशाल मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक है, जो बेंगलुरु शहर के बसवनगुड़ी मंदिर में स्थापित है। भगवान शिव के वाहन नंदी की ये मूर्ति शहर का एक मुख्य आकर्षण है और ये मंदिर बेंगलुरु के इतिहास में भी एक खास जगह रखता है। ऐसा माना जाता है कि बेंगलुरु शहर के निर्माता केम्पेगौड़ा ने इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। आज भी नंदी के इस मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। बेंगलुरु का उदय विजयनगर के राया शासकों के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने सन 1336 से सन 1646 तक अधिकांश दक्षिण भारत पर शासन किया। येलहंग का नाद प्रभस नामक एक कबीले के प्रमुख केम्पेगौड़ा ने सन 1536 में पदभार संभाला और येलहंका से 13 किलोमीटर दूर एक शहर का निर्माण शुरू करवाया, जिसे आज हम बेंगलुरु शहर के नाम से जानते हैं। येलहंका नाद प्रभस विजयनगर वंश के सामंत थे। केम्पेगौड़ा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राया के इतने करीबी थे कि उन्हें चिक्का राया या छोटे गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्हें एक नया शहर बनाने के लिए 50,000 वराह या सोने के सिक्कों का बड़ा अनुदान दिया गया था। एक ही वर्ष में उन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कारीगरों और व्यापारियों को बुलाया और व्यवस्थित रूप से एक नए सुनियोजित व्यापारिक शहर का निर्माण शुरू हुआ। केम्पेगौड़ा ने कई बाजार या पेट को यहाँ स्थापित करवाया। ऐसा माना जाता है कि व्यापार के केंद्र की तरह उभरते इस शहर में केम्पेगौड़ा ने ही बसवनगुड़ी मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का नाम यहाँ स्थापित नंदी पर पड़ा है। नंदी को एक पवित्र बैल माना जाता है, जो भगवान शिव का वाहन और परिचारक है। इस मंदिर का संबंध एक स्थानीय लोक कथा से है, जिसके अनुसार किसी समय यहाँ घने जंगल और खेत हुआ करते थे, खासकर मूंगफली के। मगर एक बैल यहाँ रोज आकर फसल को खराब करता था। स्थानीय लोगों ने इसलिए यहाँ नंदी की एक मूर्ति स्थापित की और माना जाता है कि तब से यहाँ सब ठीक हो गया। नंदी की ये मूर्ति इसलिए भी खास है क्योंकि 15 फुट लंबी और 10 फुट ऊंची होने के साथ ही ये मूर्ति ग्रेनाइट के एक ही पत्थर या चट्टान से तराशकर बनाई गई है। विजयनगर की वास्तुकला शैली में बने इस मंदिर में एक बड़ा स्तंभों वाला गर्भगृह और मुखमंडप है। मंदिर के गर्भगृह में एक मंच पर मूर्ति स्थापित है। इस मंच पर 18वीं शताब्दी का एक अभिलेख भी है। मंदिर के सामने एक 45 फुट ऊंचा स्तंभ है, ये भी एक ही पत्थर से बनाया गया है। माना जाता है कि मंदिर में आज जो विशाल विमान दिखता है वो 20वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हर साल कार्तिक मास के आखिरी सोमवार और मंगलवार को मंदिर परिसर में मूंगफली का मेला लगता है और यहाँ मूंगफलियाँ चढ़ाई जाती हैं। इस मेले को स्थानीय भाषा में कदलाकाई परिषद के रूप में जाना जाता है। बसवनगुड़ी मंदिर के पास और भी दो ऐतिहासिक स्थल हैं। एक है गणेश मंदिर, जिसे डोडा गणेश मंदिर कहा जाता है, और दूसरा है बिगुल रॉक गार्डन। कहा जाता है कि बिगुल गार्डन में मौजूद छोटी चट्टान से ही केम्पेगौड़ा का बिगुल बजता था और लोगों को सूचनाएं दी जाती थी। बेंगलुरु आज अपनी आधुनिकता जीवन शैली और आईटी इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शहर में स्थित बसवनगुड़ी जैसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थान आज भी आपको गुजरे हुए समय की झलक दिखाते हैं।